हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये जो टॉपिक हमारा चल रहा था शारीरिक भाषा के आयाम जिसमें हमें पढ़ेंगे ऑल फैक्टिकस ठीक है ये किससे रिलेटेड है मैं आपको बाद में बताऊंगी पहले ये टॉपिक कहाँ से लिया है ये बता देती हूँ ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं पहले ही करवा दिए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है प्लेलिस्ट बना दी है पूरी उस वहाँ पर आपको सारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएगी तो ये जो सब्जेक्ट है बीए बीएससी बीकॉम एस सिक्स सेमेस्टर का को कोरिकुलर सब्जेक्ट है ये जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी संचार कौशल और व्यक्तित्व के विकास ठीक है इसकी यूनिट थर्ड चल रही है बाकी यूनिट पहले ही करवा दी दिए यूनिट थर्ड है हमारी शारीरिक भाषा और व्यवहार बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर यानी जो हमारा बिहेवियर होता है जब हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है और बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता, रखता है इंपॉर्टेंस रखता है ठीक है तो इसके काफ़ी टॉपिक जो हैं हमारे पहले ही पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि इसमें चार यूनिट होती हैं इस सब्जेक्ट में टोटल और उसमें ज़्यादा मतलब टॉपिक काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस वजह से एक यूनिट के तीन चार वीडियो अपलोड करना पड़ रहे हैं ठीक है थीके? एक ही यूनिट एक वीडियो में कम्प्लीट नहीं हो पा रही है ठीक है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं ये सारे ही टॉपिक तो वो ज़रूर आप देख लें ठीक है तो आज का टॉपिक है हमारा शारीरिक भाषा के आयाम जिसमें हमें पढ़ना है ऑल फैक्टिकस ठीक है ऑल फैक्टिकस किससे रिलेटेड होता है तो ये जो है हमारा जो हमारी स्मेल होती है हमारी बॉडी की स्मेल ठीक है जैसे कि हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं और हमारी बॉडी में पसीने की स्मेल आ रही है तो ये बुरा इफेक्ट डालेगी हमारे ऊपर है ना और हम मतलब थोड़ा फ्रेगनेंस मतलब परफ्यूम वगैरह थोड़ा बहुत लगा के जा रहे हैं कि मतलब हमारी बॉडी की स्मेल मेंटेन रहे तो ये अच्छा इफेक्ट डालेगी तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इफेक्ट डालती हैं हमारे मतलब पर्सनैलिटी पर तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ज़्यादा हार्ड नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑलफेक्टिकस शरीर शारीरिक भाषा के किस आयाम से संबंधित है मतलब जो ऑलफेक्टिकस जो है वो बॉडी लैंग्वेज के किस आयाम से संबंधित है ऑप्शन है इसमें ए हाव भाव बी आँखों का संपर्क आई कांटेक्ट सी गंध गंध मतलब हमारे शरीर की स्मेल डी स्पर्श तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी गंध ठीक है आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू शारीरिक भाषा में ऑल प्रैक्टिस का महत्व इम्पोर्टेंस क्या है ये बताना है शारीरिक भाषा में ऑल प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंस ऑप्शन है इसमें ए भावनाओं को व्यक्त करना बी संचार की दक्षता बढ़ाना सी सामाजिक संबंधों को मजबूत करना डी व्यक्तिगत स्थान की सीमा निर्धारित करना तो हमारा इसका आंसर होगा ऑल ऑल्फैक्टिक्स वाले का सेकंड का आंसर है बी संचार की दक्षता बढ़ाना मतलब संचार जो हम कर रहे हैं संचार में सोता है किसी से बातचीत जो कर रहे हैं उसकी दक्षता उसकी क्वालिटी मतलब बढ़ जाएगी अगर हमारी पास से गंदी स्मेल आ रही है तो कोई भी हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा दूर ही रहना पसंद करेगा ठीक है तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारा जो ऑल ऑल्फैक्टिक्स है वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री व्यक्तिगत सुगंध का उपयोग करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है जो हम सुगंध या परफ्यूम का यूज़ कर रहे हैं ठीक है अपनी पर्सनैलिटी के लिए उसके यूज़ करने का उद्देश्य क्या है मकसद क्या है ऑप्शन इसमें ए शारीरिक स्वच्छता बी आकर्षक आकर्षण बढ़ाना सी पहचान बनाना डी संवेदनशीलता दिखाना तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड का बी आकर्षण बढ़ाना कि हम आकर्षित मतलब कर सकें किसी को भी हमारा आकर्षण बढ़ जाए ठीक है कॉन्फिडेंस भी रहेंगे अगर हमारे पास से अच्छी इसमें आएगी तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर ऑल फैक्टिस का उपयोग किस प्रकार के संचार में महत्वपूर्ण होता है मतलब किस टाइप के जो संचार हम कर रहे हैं मतलब बातचीत कर रहे हैं किस टाइप के बातचीत के लिए महत्वपूर्ण होता है ऑप्शन है इसमें ए गैर मौखिक संचार मतलब नॉन वर्बल वर्बल और नॉन वर्बल में जो डिफरेंस है वो मैं पहले ही पिछली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ ठीक है तो वो आप जरूर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ए है गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बी मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन सी लिखित संचार डी दृश्य संचार तो ऑल फैक्टिक्स का जो रिलेशन है वो हमारा गैर मौखिक संचार से है ठीक है किससे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से नॉन फिर भी मैं बता देती हूँ वर्बल होता है जिसमें वर्ड का यूज होता है ठीक है जो हम बोल रहे हैं हम किस भाषा का यूज कर रहे हैं ये सब वर्बल में आता है नॉन वर्बल कौन सा होता है जो सिर्फ देख मतलब हमारी पर्सन देख के इंसान जो चीजें दिखती हैं हमारी बॉडी में जैसे कि हमारी पर्सनैलिटी हमारा कपड़े पहनने का स्टाइल ठीक है हमारे फेस एक्सप्रेशन हाव भाव ये सब आते हैं नॉन वर्बल में ठीक है नॉन uh, वर्बल जो है वर्ड लेस होता है बिना वर्ड्स का होता है और जो वर्बल होता है उसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं कौन सी भाषा का यूज कर रहे हैं किस तरीके की भाषा यूज कर रहे हैं ये सब आता है वर्बल में तो वर्ड वर्ड लेस हुआ नॉन वर्बल ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ऑल फैक्टिस के संदर्भ में व्यक्तिगत ब्रांडिंग का क्या अर्थ होता है ऑप्शन है इसमें ए किसी व्यक्ति की अनूठी गंध भी किसी व्यक्ति की पसंदीदा परफ्यूम सी किसी व्यक्ति के सुगंध का चयन डी किसी व्यक्ति की गन से जुड़ी पहचान तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो जाएगा डी व्यक्तिगत ब्रांडिंग मतलब खुद का मतलब एक पर्सनैलिटी ठीक है तो उसके मतलब क्या होता है किसी व्यक्ति की गन से जुड़ी हुई पहचान आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑल फैक्ट्रिस के माध्यम से किस प्रकार की भावनाएं सबसे अधिक प्रभावी रूप से संचारित होती हैं किस टाइप की जो हमारे भावनाएं हैं मतलब अगर ऑल फैक्ट्रिक अगर हमारी गंद अच्छी है तो किस टाइप की जो प्रॉ मतलब किस टाइप का इफेक्ट्स पड़ेगा किस टाइप की भावनाओं पर फीलिंग्स पर इफ़ेक्ट्स पड़ेगा ये बताना है कि किस टाइप की भावनाएं प्रभावित होंगी ऑप्शन है इसमें ए खुशी और उत्साह बी तनाव और चिंता सी आराम और शांति डी उत्सुकता और जिज्ञासा तो इसका आंसर है हमारा सी आराम और शांति ठीक है आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन ऑल फैक्टिक संकेतों का उपयोग करने में सांस्कृतिक विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है कल्चरल जो मतलब कल्चर विविधता जो होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ठीक है ऑप्शन इसमें ए कोई प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा तो कुछ नहीं है ठीक है प्रभाव तो पड़ता ही है बी संवेदनशीलता और समझ में वृद्धि सी संचार में गलत फहमी डी संचार की गति में वृद्धि तो इसका आंसर हो जाएगा बी संवेदनशीलता और समझ में वृद्धि बढ़ती है ठीक है आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट व्यापारिक बैठकों में ऑल फैक्टिक संकेतों का क्या महत्व है व्यापारिक बैठकें यानी मीटिंग जो होती हैं ठीक है ऑफिस वगैरह में मीटिंग कहीं पर भी मीटिंग होती है बिजनेस मीटिंग तो उसको बोलते हैं व्यापारिक बैठक ठीक है तो उसमें ऑल फैक्टिक का क्या संकेत होता है क्या इंपॉर्टेंस है ऑप्शन है इसमें ए नेतृत्व क्षमता दिखाना बी व्यक्तिगत ब्रांडिंग बनाना सी विश्वास और साग बढ़ाना डी टीम की एकता बढ़ाना तो इसका आ जाएगा हमारा आंसर सी विश्वास बढ़ाना ठीक है और साग बढ़ाना अगर हमारी स्मेल हम अच्छी स्मेल कर रहे हैं तो ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ठीक है विश्वास बढ़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा सी विश्वास और साग बढ़ाना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन शारीरिक भाषा में ऑल फैक्ट्रिक्स के उपयोग से संबंधित एक प्रमुख चुनौती क्या है ठीक है चुनौती बनाना है क्या चुनौती है और फैक्ट्रिक्स के उपयोग से संबंधित ऑप्शन है इसमें गंध का चयन बी गंध की तीव्रता सी गंध का स्थायित्व डी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं ऐसा होता है ना कि जो हम परफ्यूम यूज कर रहे हैं मान लो तो कुछ लोगों को जो है अच्छा पर मतलब उसकी स्मेल अच्छी लगती है किसी को नहीं अच्छी लगती है तो व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं सबकी किसी को सॉफ्ट फ्रेग्रेंस का परफ्यूम पसंद होता है किसी को हार्ड फ्रेग्रेंस का तो व्यक्तिगत प्रक्रियाएँ और किसी को परफ़्यूम ही पसंद नहीं होता तो ये हमारे लिए चुनौती होती है ठीक है व्यक्तिगत मतलब लोगों की प्रतिक्रिया लोगों के रिएक्शंस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन फैक्टिक संकेतों का उपयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है ऑल फैक्टिक संकेतों का मतलब परफ्यूम का यूज़ करते समय हमें सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या रखना चाहिए ऑप्शन है इसमें ए सुगंध की विविधता बी सुगंध की स्थायित्वता डी वो सॉरी सी सुगंध की सूक्ष्मता डी सुगंध की लागत तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए सुगंध की सूक्ष्मता कि वो कैसा उसका स्मेल कैसी है ठीक है बारीकी से उसकी स्मेल कैसी है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा सी सुगम सुगंध की सूक्ष्मता नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर ठीक है ये बहुत ज़्यादा कल्चरल uh, जो कल्चर है हमारा सबका कल्चर अलग अलग होता है तो सबकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग अलग होती है जैसे कि हम नमस्ते करते हैं मतलब इंडिया में ज़्यादातर नमस्ते किया जाता है हाथ जोड़ के है ना जापान में कुछ और किया जाता है जब मिलने जाते हैं हैंड शेक किया जाता है कहीं तो ये सब चीज़ होती है कल्चरल डिफरेंस होता है ठीक है बॉडी लैंग्वेज में भी कल्चरल डिफरेंस होते हैं तो उसको हम देखते हैं तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक इशारा ठीक है आमतौर पर जापान में कहाँ पर जापान में विनम्रता को दर्शाता है विनम्रता मतलब आराम से ठीक है प्यार से विनम्रता नर्म दिल से क्या दर्शाता है ऑप्शन ए इसमें मुट्ठी बांधना है ये तो गुस्से में दर्शाता होगा चाहे कहीं का भी हो हाथ मिलाना है ये तो इंट्रोडक्शन कहलाना होता होगा आंखों का संपर्क बनाना ये तो कॉन्फिडेंस होगा ठीक है तो विनम्रता को दिखाता है झुकना आंसर क्या हो जाएगा सी तो जापान में विनम्रता को क्या शो करता है झुकना ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर टू भारतीय संस्कृति जो इंडिया इंडियन कल्चर है उसमें नमस्ते कहते समय हाथों को कैसे जोड़ा जाता है तो हाथों दोनों हाथों को जोड़ा जाता है अब हमारे जो आगे का बॉडी है सीने से आगे ठीक है कहाँ जोड़ा जाता है हाथों को सीने पर जोड़ना तो आंसर क्या हो जाएगा बी नमस्ते कहने के लिए सीने पर हम हाथों को जोड़ते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बी इसका तो आंसर आपको अच्छे से पता होगा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री मध्य पूर्वी देशों में जो मध्य पूर्वी देश हैं हमारे उसमें दाहिने हाथ से खाना क्यों खाया जाता है ठीक है दाहिने हाथ को शुद्ध माना जाता है इसलिए खाया जाता है, है ना तो अब देख लेते हैं ऑप्शन है इसमें ए दाहिने हाथ शुद्ध माना जाता है बी बाएं हाथ में खाना अशुभ माना जाता है सी दाहिने हाथ से अधिक शक्ति मिलती है डी बाय हाथ से खाने पर रोग हो सकता है तो ज्यादातर ये माना जाता है कि दाहिना जो सीधा हाथ होता है ठीक है दाहिना किसे बोलते हैं सीधे हाथ को दाहिना हाथ को शुद्ध माना जाता है ठीक है पवित्र माना जाता है शुद्ध माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर अमेरिकी संस्कृति आ जाता है अमेरिकन का कल्चर अमेरिकी कल्चर में आंखों में आंख डालकर बात करना क्या दर्शाता है ऑप्शन है इसमें असम्मान बी विश्वास सी अनिश्चितता डी उदासी तो फोर्थ का हमारा आंसर होगा बी विश्वास ठीक है कॉन्फिडेंस आंखों में आँख डालकर बात करना क्या दिखाता है कॉन्फिडेंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव चीनी संस्कृति चीन का जो कल्चर है उसमें चीनी संस्कृति में सिर को हल्के से हिलाना क्या संकेत देता है ठीक है सिर को हल्के से हिलाना क्या संकेत देता है ऑप्शन है इसमें सहमति जैसे कि उन्होंने कुछ बात कही किसी ने उस बात उस बात से हम सहमत हैं वो दिखाता है बी असहमति यानी इनकार करना सी सम्मान रिस्पेक्ट करना डी अनिश्चितता तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी असहमति दिखाता है सिर को हल्के से हिलाना ठीक है क्या दिखाता है असहमति आंसर बी याद रखिएगा वैसे तो अगर कोई और कल्चर होता तो सिर को हल्के से क्या सहमति दिखाता है ये दिखाते है। पर यहाँ पर चीनी कल्चर की बात हो रही है तो आएगा असहमति सिर को हल्के से हिलाना क्या दिखाता है असहमति नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स जापान में लंबे समय तक आंखों का संपर्क ठीक है लंबे समय तक आंखों का संपर्क रखना क्या दिखाता है क्या अंकित करता है ऑप्शन है इसमें ए सम्मान बी चुनौती सी आकर्षण डी विश्वास तो आंखों का संपर्क अच्छा होता है कॉन्फिडेंस दिखाता है पर ज़्यादा लंबे समय तक आंखों का संपर्क रखना चुनौती दिखाता है क्या दिखाता है जापान के अकॉर्डिंग चुनौती आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन ब्राज़ील में अंगूठे को ऊपर की ओर उठाना, उठाना क्या संकेत देता है ब्राज़ील में अंगूठे को ऊपर की ओर उठाना क्या संकेत देता है ऑप्शन है इसमें ए असहमति बी समर्थन सी अनुरोध डी आक्रामकता तो ये तो आपको पता ही होगा समर्थन अगर हम किसी को समर्थन कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं इस टाइप से है ना तो अंगूठे को ऊपर ऊपर की ओर उठाना क्या संकेत देता है ब्राज़ील में समर्थन करना आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट फ्रांस में गाल को चूमना लाबीस बोलते हैं लाबाइस बोलते हैं इसको ठीक है गाल को चूमने का जो कल्चर है किस परिस्थिति का प्रयोग किया जाता है ठीक है फ्रांस की बात हो रही है यहाँ पर ऑप्शन है इसमें व्यवसायिक बैठकों में बिल्कुल नहीं गाल को थोड़ी ना चूबेंगे हम बिजनेस मीटिंग में, में है ना तो ये तो होगा नहीं आंसर भी आकस्मिक मुलाकातों में सी औपचारिक अफसरों में अफसरों पर डी निजी और सामाजिक मुलाकातों में तो इसका हो जाएगा आंसर डी गाल को चूमना निजी निजी हमारा पर्सनल मतलब जो मुलाकात होती है सामाजिक और पर्सनल मुलाकात उसमें चूमा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन रूसी संस्कृति में रूस के कल्चर में हाथ मिलाने के दौरान दास्ताने पहनने रहना क्या संकेत देता है अगर हम हाथ मिला रहे हैं तो दास्ताने नहीं पहना होना चाहिए अगर दास्ताने पहना है रूस में कोई हाथ दास्ताने पहनकर हाथ मिला रहा है तो उससे अपमान माना जाता है कि हाँ ये हमारा अपमान कर रहा है ये हमसे बच रहा है ठीक है हमारे टच से बच रहा है तो क्या हो जाएगा असम्मान कहलाता है अगर दास्ने पहने होकर हाथ मिलाते हैं हम रूस में ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बी आसमान नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इटली में चिनफिंग ढोड़ी की ठोड़ी को उंगली से धक्का देना क्या व्यक्त करता है ये भी वहाँ का कल्चर होगा इटली का ठीक है तो क्या दिखाता है क्या व्यक्त करता है ऑप्शन है इसमें ए उदासीनता और अस्वीकृति बी अनुमोदन या असहमत वो अनुमोदन और सहमति मतलब स्वीकार करना किसी चीज़ को सी आश्चर्य या विस्मय आश्चर्यचकित हो जाना डी खुशी या संतोष शांति और हैप्पीनेस तो टेन का हमारा आंसर होगा ढोड़ी थो, जो होती है हमारी उसको उंगली से धक्का दक, देना क्या कहलाता है उदासीनता या अस्वीकृति ठीक है आंसर हो जाएगा ए सैडनेस या फिर किसी बात को स्वीकार ना करना आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति में ऑस्ट्र ऑस्ट्रेलिया के कल्चर में वी वी बनाते हैं विक्टम का वी संकेत का अर्थ क्या होता है जब हम हम लोग सेल्फी लेते टाइम वी बनाते हैं उसका अर्थ क्या होता है ठीक है ऐसे करके फिंगर से अपने तो उसका अर्थ क्या होता है जब अंगूठा बाहर की ओर होता है और उसमें बाहर की ओर अंगूठा भी होता है ठीक है तो उसका अर्थ क्या होता है ऑप्शन है इसमें शांति या विजय बी अपमान या असम्मान सी पूछताछ या संदेह डी समझौता या असमझौता तो वी का जो है हमारा अर्थ होता है विक्ट शांति या विजय ठीक है आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थाईलैंड थाईलैंड में सिर को झूना क्यों अपानजनक मा, माना जाता है थाईलैंड में जो है सिर को टच करना अगर कोई ऐसे ही को, हमारे सर को टच कर रहा है तो अपमानजनक माना जाता है असम्मानजनक माना जाता है कि अपमान कर रहा है ठीक है हमारा तो ऑप्शन ए इसमें क्यों माना जाता है सही ये बताना है ऑप्शन ए इसमें सिर को पवित्र माना जाता है बी सिर को कमजोर माना जाता है सी सिर को निजी स्थान माना जाता है डी सिर को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है तो वहाँ पर थाईलैंड में जो है ना सिर को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन कोरियाई कोरिया संस्कृति में कोरिया के कल्चर में बड़ों के सामने हाथ को कहाँ रखा जाता है बड़ों के सामने हाथों को अपने कहाँ रखा जाता है अगर हमारे बड़े हमारे सामने हैं तो ऑप्शन इसमें पीछ पीठ के पीछे बी कमर पर सी जे जेब में डी सामने शरीर के साथ तो थर्टीन का हमारा आंसर हो जाएगा डी सामने शरीर के साथ ठीक है कहाँ सामने शरीर के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोटीन मिस्र में दोस्तों के बीच नज़दीकी संबंध को दर्शाने के लिए ठीक है दोस्तों के बीच नज़दीकी संबंध को दर्शाने के लिए कौन सा शारीरिक इशारा प्रयोग किया जाता है ऑप्शन है इसमें ए गले लगाना बी कंधे पर हाथ रखना सी हाथ पकड़ना डी पीठ थपथपाना तो इसका आंसर हो जाएगा सी हाथ पकड़ना ठीक है आंसर सी मिस्र के कल्चर की बात हो रही है यहाँ पर हाथ पकड़ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इंग्लैंड में इंग्लैंड के कल्चर में लंबी कतारों में इंतज़ार करते समय शारीरिक भाषा में क्या प्रथा देखी जाती है लंबी कतारें लगी हैं किसी चीज़ के मतलब कोई चीज़ अगर है वहाँ पर लाइन लगी हुई है तो उसमें कैसी बॉडी लैंग्वेज होती है लोगों की ऑप्शन इसमें ए हाथ मिलाना बी आँखों का संपर्क बनाना सी व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करना डी मुस्कुराना तो इसका आंसर हो जाएगा सी व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करना ठीक है सबको अपनी अपनी जगह ठीक से लगना ऐसा नहीं है कि कोई धक्का मुक्की इस टाइप से नहीं होता तो क्या होता है व्यक्तिगत स्थान का सम्मान किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स नेक्स्ट टॉपिक है ये ठीक है क्वेश्चन नहीं है व्यवसायिक शिष्टाचार और शारीरिक भाषा बिजनेस एडिकेट एंड बॉडी लैंग्वेज ठीक है Uh, मतलब जो uh, व्यवसायिक मतलब बिज़नेस की अगर कोई मीटिंग है हमारी तो उसमें हमारा तरीके से शिष्टाचार से रहना ठीक है और बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में हम पढ़, पढ़ेंगे व्यवसायिक अगर हमारा जो बिज़नेस में जो भी हमारा ऑफिशियली जो भी हमारी मीटिंग्स वगैरह हैं या फिर हम किसी बिज़नेस टूर पर जा रहे हैं तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी होना चाहिए हमारा त, तौर तरीका कैसे होना चाहिए इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें इजी क्वेश्चन होंगे ये भी क्योंकि ये तो जो हमने पीछे बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है उसी के क्वेश्चन होंगे पर फिर भी देख लेना चाहिए है ना ऑप्शन इसमें वो सॉरी क्वेश्चन नंबर बैठकों में आ, बिजनेस मीटिंग में आंखों का संपर्क आई कांटेक्ट किस बात का संकेत करता है आ, सं, मतलब साइन देता है किस बात का संकेत देता है ऑप्शन इसमें ए सुरक्षा का बी आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस का सी आविश्वास का डी उदासीनता का यानी सैडनेस का तो आपको अच्छे से इसका आंसर पता होगा आई कॉन्टेक्ट जो है ना वो आत्मविश्वास दिखाता है क्या दिखाता है कॉन्फिडेंस दिखाता है अगर हम किसी की बात के कोई कुछ कह रहा है उसके तरफ हम हा, हा, हम देख रहे हैं ठीक है ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस दिखाता है हमारा और अगर इधर उधर हम देख रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उसकी बातों में है ना और ना ही हम घबरा भी रहे हैं ऐसा भी हो सकता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई कॉन्टेक्ट जो है वो आत्मविश्वास को शो करता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू व्यवसायिक परिवेश में हाथ मिलाने का तरीका क्या दर्शाता है ऑप्शन है इसमें ए शक्ति और निर्णय भी कमजोरी और संकोच हाथ मिलाना तो कॉन्फिडेंस को ही दिखाता होगा सी अनिश्चितता और भ्रम शक यानी भी उत्साह और ऊर्जा तो इस टाइप से हाथ मिलाना क्या दिखाता है व्यवसायिक उसमें हाथ मिलाना दिखाता है ए आंसर होगा इसका ए शक्ति दिखाता है हमारा और ए निर्णय और निर्णय ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री व्यवसायिक संवाद में मतलब बिजनेस मतलब कोई संवाद हो रहा है बातचीत हो रही है ना बिजनेस के दौरान के दौरान ठीक है पैरों को पार करके बैठना किस भावना को दर्शाता है ऑप्शन है इसमें सहजता और आराम बी रक्षात्मक और मुद्रा सी आक्रामकता और चुनौती डी ऊर्जावान और सकी यानी ऊर्जा से भरा हुआ और एक्टिव तो अगर पैरों को पार करके बैठे हुए हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी ची, अच्छा इफेक्ट नहीं डालती है ठीक है डिफेंस वो दिखाता है रक्षात्मक और बंद मुद्रा को दिखाता है ठीक है आंसर क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर व्यवसायिक प्रस्तुतियों में हा व्यवसायिक बिजनेस प्रेजेंटेशन में हाथों को जोड़कर खड़े होना किसका संकेत है ऑप्शन है इसमें ए विश्वास और सुरक्षा का बी नर्वसनेस और असुरक्षा का सी आत्मविश्वास और नियंत्रण का डी असंतोष और असहमति का <coughs> सॉरी तो फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा सी आत्मविश्वास और नियंत्रण का संकेत है क्या हाथों को जोड़कर खड़े होन, होना खड़े होना ठीक है क्रॉस करके नहीं हाथों को जोड़कर लिखा इसमें ये याद रखना क्रॉस करना अलग चीज होगा और हाथों को जोड़कर खड़े होना अलग तो आंसर क्या हो जाएगा क्या दिखाता है आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस और नियंत्रण हाथों को जोड़कर खड़े होना नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव व्यवसायिक संवाद में मुस्कुराहट का क्या महत्व है हल्की सी स्माइल होना चाहिए अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो तो उसका क्या आ, मतलब क्या महत्व है ऑप्शन है इसमें अनुचित व्यवहार बिल्कुल नहीं आज हल्की सी स्माइल होना चाहिए अगर हम मीटिंग मीटिंग में भी हैं अगर हम बिल्कुल वैसा बिना स्माइल के रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम परेशान हैं सैड है ना तो हल्की सी स्माइल तो होना ही चाहिए तो क्या वो शो करेगी ऑप्शन है इसमें बी दोस्ताना और स्वागत योग्य सी असंबंधित और विचलित डी गंभीरता और औपचारिकता तो स्माइल जो है हमारे चेहरे पे हल्की सी वो दोस्ताना और स्वागत योग्य जो है वो शो करेगा ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स व्यवसायिक बैठकों में ध्यान भटकाने वाली हरकतों में शामिल नहीं है पूछा याद रखिएगा नहीं है घड़ी देखना बार बार ये तो शामिल है ठीक है नोट्स लेना बी सी मोबाइल फ़ोन चेक करना ये भी ध्यान भटकाता है तो ये भी शामिल है डी उंगलियों में से टेबल थप थपथपाना ठीक है ये भी शामिल है ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं ये तीनों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नोट्स लेना ऐसा कुछ नहीं है ठीक है नोट्स लेना जो है ध्यान भटकाने वाली हरकतों में शामिल नहीं है नोट्स या फाइल वगैरह लेना है ना तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन व्यावसायिक सेटिंग में उचित बॉडी लैंग्वेज का क्या होना चाहिए उचित बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए ऑप्शन है इसमें ए शीतिल और आरामदायक बी आत्मविश्वासी और पेशेवर सी आक्रामक और चुनौतीपूर्ण डी उदासीन और अनुपस्थित तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए हमारी बॉडी लैंग्वेज बिजनेस मीटिंग्स से है या फिर कुछ भी है बिजनेस से रिलेटेड तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए ठीक है ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी आत्मविश्वास और पेशेवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट व्यावसायिक संवाद में ध्यान बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है ठीक है ध्यान बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है ऑप्शन इसमें ए बार बार अपनी सीट बदलना सी व्यक्ता की आंखों में देखना डी सी विचलित होना डी बार बार घड़ी देखना तो इसका आंसर भी आपको अच्छा हो पत, अच्छे से पता होगा ध्यान बनाए रखने के लिए वक्ता की आंखों में देखना मतलब आई कांटेक्ट रहना जरूरी है ठीक है तो आंसर क्या होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन व्यवसायिक मुलाकातों यानी बिजनेस में जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं में बैठने की कौन सी मुद्रा उचित मानी जाती है कौन सा तरीका उचित माना जाता है बैठने का ऑप्शन है इसमें पैर फैलाकर बैठना बी सीधे बैठकर पैरों को ज़मीन पर रखना सी पैर हिलाना डी आगे की ओर झुकना तो व्यावसायिक मीटिंग्स में जो बैठने का जो ठीक तरीका होना चाहिए वो सीधे बैठकर पैरों को ज़मीन पर रखना ठीक है आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन व्यावसायिक वार्तालाप में हाथों को क्रॉस करना क्या दर्शाता है ऑप्शन इसमें सहमति और समर्थन बी विरोध और रक्षात्मकता सी आत्मविश्वास और खुलापन डी उत्साह और सक्राम सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी ठीक है तो क्रॉस हाथों को क्रॉस करके बैठना हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक डिफेंस माना जाता है ठीक है रक्षात्मक और विरोधी माना जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा बी विरोध और रक्षात्मक हाथों को क्रॉस करके बैठना कैसा होता है विरोध और रक्षात्मक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन व्यावसायिक वार्तालाप के दौरान ठीक है नजरें चुराना क्या संकेत देता है ऑप्शन है इसमें ए ध्यान और समर्पण बी अनिश्चितता और असुरक्षा सी आत्मविश्वास और नियंत्रण डी सम्मान और विनम्रता आँखों को नजरे मतलब नज़रे चुराना इधर उधर आँखें करना क्या दिखाता है तो इस इलेवन का हमारा आंसर होगा बी अनिश्चितता और असुरक्षा दिखाता है ठीक है अनकंफर्टेबल जब हम फील करते हैं ना तो वक्ता जो होता है बोलने वाला कोई बात कोई बोल रहा है तो उसकी नज़रों में आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं हम इधर उधर देखते हैं ठीक है थीके? तो आंसर क्या हो जाएगा बी अनिश्चितता और असुरक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्यवसायिक प्रस्तुतियों में शरीर की मुद्रा किस प्रकार की होनी चाहिए ऑप्शन है इसमें आरामदायक और लापरवाह बिल्कुल नहीं बी उत्साही और अति सकी एक्टिव यानी सी सम्मानजनक और पेशेवर डी उदासीन और रहे। तो इसका आंसर होगा हमारा सी सम्मानजनक होना चाहिए और पेशेवर होना चाहिए ठीक है फॉर्मल होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्यावसायिक चर्चाओं में उंगली उठाकर बोलना क्या दर्शाता है ठीक है व्यवसायिक चर्चाएं हो या किसी भी टाइप की डिस्कशन होता है उंगली उठाकर बोलना एक गलत मैनर्स होता है ठीक है गलत तरीका होता है गुस्से को दिखाता है अपमान अनादर को दिखाता है तो आंसर ये हो जाएगा बी आक्रामकता मतलब होता है एग्रेसिव होना ठीक है गुस्सा होना किसी बात से और अनादर मतलब किसी का अपमान करना ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बी आक्रामकता और अनादर होता है उंगली उठाकर बात करना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन व्यवसायिक सेटिंग में बैठने की किस मुद्रा से बचना चाहिए किस मुद्रा से मतलब कौन सी मुद्रा गलत है ऑप्शन इसमें सीधे बैठना ये तो ठीक है बी पैरों को क्रॉस करके बैठना सी पैरों को ज़मीन पर रख कर बैठना ये भी ठीक है हमने पहले पढ़ा था डी कुर्सी का आराम से टिक कर बैठना कुर्सी पर आराम से कम्फर्टे मतलब कंफर्टेबल होकर बैठना चाहिए ये भी ठीक है तो गलत तरीका कौन सा है पैरों को क्रॉस करके बैठना ठीक नहीं रहता है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्यवसायिक संवाद में आँखों की चमक का क्या महत्व है ठीक है जो मतलब संवाद बातें हो रही हैं मतलब बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं ठीक है संवाद में सन्वाद होता है बातें ठीक है तो उसमें आँखों की चमक क्या दर्शाती है ऑप्शन है इसमें ये ऊब और आरुचि ऊब मतलब बोर होना बोर होना तो नहीं दर्शाएगी आँखों की चमक ठीक है बी ध्यान और रुचि सी आप सी विचिल विचलितता और असंतोष मतलब हमारा इधर उधर ध्यान भटकना और असंतोष बेचैनी डी आविश्वास और संदेह संदेह मतलब शक आविश्वास मतलब बिलीव ना होना तो ये भी नहीं दर्शाती हैं आँखों की चमक हमारी दर्शाती है ध्यान और रुचि मतलब हमारी इंटरेस्ट है उन बातों में जो बातें हो रही हैं ठीक है थीके? तो आंसर क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन व्यवसायिक प्रस्तुतियों में आवाज़ की टोन का क्या महत्व है आवाज की टोन मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ बहुत ज़्यादा कम है ना तो उसका क्या महत्व हुआ क्या इंपॉर्टेंस हुए तो काफ़ी इम्पोर्टेंस हुआ वैसे तो ऑप्शन इसमें अनुचित और असंबंधित बिल्कुल नहीं संबंधित तो है ये भी उदासीनता तो और निरस्ता सी स्पष्टता और प्रभावशीलता सी डी स्थिरता और अनिर्णय तो इसका आंसर क्या होगा सिक्सटीन का सी होगा स्पष्टता और प्रभावशीलता मतलब प्रभाव पड़ता है हमारी आवाज की टोन का भी काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है बिजनेस की मीटिंग हो चाहे कोई किसी भी टाइप की बातचीत हो सब पर प्रभाव पड़ता है हमारी आवाज की टोन का भी तो आंसर क्या हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन व्यवसायिक संवाद में शरीर की भाषा बॉडी लैंग्वेज का सही यूज़ कैसे किया जा सकता है ऑप्शन है इसमें ए अधिक हाथ हिलाना बिल्कुल नहीं बी समझदारी से आंखों का संपर्क बनाना सी अक्सर पैर हिलाना बिल्कुल नहीं डी बार बार मुंह छूना बिल्कुल नहीं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बी समझदारी से आंखों का संपर्क आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना ठीक है वो हमारी सही बॉडी लैंग्वेज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन व्यावसायिक बैठकों में सक्रिय यानी एक्टिव सुनवाई का क्या संकेत है ऑप्शन है इसमें बार बार सिल हिलाना बी वक्ता की ओर झुकना सी नोट्स लेना डी उपयोग सभी तो अगर जो आ, मतलब वक्ता है जो बात ब, बता रहा है जो बात टॉपिक कोई बता रहा है तो उसके तरफ झुकना और उसकी बात को ध्यान से सुनना ठीक है और नोट्स लेना और उसकी बात पर बार बार जाना, हाँ मतलब तो आप ठीक कह रहे हैं ये सब ही जो है अच्छी सुनवाई का संकेत होते हैं ठीक है कि हमारे एक्टिव हैं हम उसकी बात के लिए हम उसकी बात अच्छे से सुन रहे हैं ये सब संकेत होते हैं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा डी सभी उपयुक्त सभी ठीक है अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि अगर इसी वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी इसलिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का तो वहां से आप जरूर देख लें ठीक है और इजी क्वेश्चन भी है इसमें कोरोना काल से रिलेटेड जो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी जैसे कि हमने हाथ मिलाना बंद कर दिया था इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें ठीक है तो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारी क्लासेस जो हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बन बनी हुई है हमारे चैनल पे तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी पी डी मिलेगी पी मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर ठीक है तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाए उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो थोड़ी भी रह हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा और शेयर तो ज़रूरी कर दिएगा ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग